अस्सलामु अलैकुम मेरे सभी प्यारे प्यारे भाइयों और बहनों को। तो आज जा रही हूँ मैं मिर्ची का अचार बनाने। तो इस तरह से मिर्ची हम लोगों को पसंद है और इस तरह से मिर्ची अब्बा को पसंद है, तो दोनों मिक्स करके मैं बना रही हूँ। तो बहुत सिंपल सी ये मिर्ची फ्राई है, बहुत ज़्यादा इसमें कुछ सामान मटेरियल या चीज़ें हमें नहीं डालनी है। तो इसके लिए चाहिए हमें ज़ीरा, काला नमक और सफ़ेद नमक और विनीगर। मिर्ची बनाने के लिए पहले मैंने गैस पे फ्राई पैन रख दी हूँ, इसके अंदर हम ज़ीरा ऐड कर देंगे और ज़ीरे को रोस्ट कर लेंगे। तो ये ज़ीरा रोस्ट हो चुका है, अब इस तो ज़ीरा ठंडा हो चुका है, इसे मिक्सी जार में डालकर हम पीस लेंगे और उसी फ्राई पैन को हम गैस पर वापस से रख देंगे। मैं इसमें साथ में तेल भी ऐड कर दूंगी, क्योंकि जब तक मैं ज़ीरा पीसते रहूंगी तब तक ये तेल हो जाएगा। तो हमें तेल में कंजूसी नहीं करनी है, तेल हमें अच्छा डालना है इसमें कि मिर्ची हो जाए, वरना क्या होता है मिर्ची में तेल कम पड़ जाता है ना, तो मिर्ची का टेस्ट अच्छा नहीं होता है। तो इसमें काफ़ी अच्छा सी तेल लगता है क्वांटिटी में। तो जब तक ये तेल गर्म हो रहा है हम ज़ीरा पीस लेते हैं। तो ये तेल हो चुका है और हमारा ज़ीरा भी पीस चुका है, तो ज़ीरा कुछ इस तरह से पीस चुके हैं। अगर मिर्ची में तेल कम भी हो जाता है ना तो कोई मसला नहीं है, बाद में अगर हमें लगे कि ये कम है तो हम इसमें और तेल ऐड कर सकते हैं। तो ये तेल हो चुका है, अब इसमें मैं मिर्ची डाल के गैस का फ्लेम हमें स्लो कर देना है, क्योंकि मिर्ची के दाने जब तेल में जाते हैं ना तो उड़ते हैं और हमें गैस से थोड़ा दूर भी हो जाना है। तो मिर्ची इसमें डालकर तो आप लोग देख रहे हैं मिर्ची उड़ रही है, तो मैं तो दूर हो गई हूँ, आप लोग भी दूर हो जाइए, आप लोग भी दूर हो जाइए, मतलब जब आप लोग मिर्ची का अचार बनाओगे तब। तब ये थोड़ी देर के बाद उड़ना बंद हो जाते हैं, तो इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसको 2 मिनट तेल में पकाने के बाद हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। ज़ीरा ले ली हूँ मैंने, और ये मैंने थोड़ा सी चाट मसाला और ये अमचूर पाउडर डाली हूँ। काला नमक डाइजेशन के लिए अच्छा होता है और सफ़ेद नमक टेस्ट के लिए है। तो हम इसमें सब कुछ मिला देंगे मसाले और इसको मिक्स करके स्लो फ्लेम पे 2 से 3 मिनट तक के पका लेंगे। तो आप लोग देख सकते हैं जब मैंने सिर्फ मिर्ची डाली थी तो ऐसा लग रहा था तेल ज़्यादा है, बट जब हम मसाले डालते हैं तो ऐसा लगता है कि तेल कम है। तो इसीलिए हमने तेल ज़्यादा ही डालना है, कम नहीं डालना है। और अगर आप लोगों ने कम डाला है तो जब अभी हम मसाले जब मिक्स करते हैं तो हमें पता चलता है, तो हम इसमें अभी तेल ऐड कर सकते हैं। तो इतना तेल इनफ है, अगर आपने ऐड करना है तो आप ऐड भी कर सकते हो, नहीं करना है तो कोई बात नहीं, हमें स्लो फ्लेम ही रखना है। स्लो फ्लेम पे 2 से 3 मिनट इसे हम पका लेंगे। तो हमने इसको बीच बीच में हिलाते भी रहना है। तो ये 2 मिनट हो चुके हैं हमें पकाते हुए। ये मिर्ची है, ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जिसे पकने में बहुत टाइम लगेगा, मिर्ची तो हम ऐसी कच्ची भी खाते हैं। तो बस हमने इसको मसाला डालकर मसाले में अच्छे से मिक्स करना होता है, इसीलिए हम 2 से 3 मिनट इसमें लगाते हैं। अब इसके बाद हमने क्या करना है, सिरका इसमें ऐड करना है। सिरके से क्या होता है, अचार ख़त्म नहीं होता है, अचार की लाइफ है वो बढ़ जाती है, मतलब ये ज़्यादा दिन तक हम इसको स्टोर करके रख सकते हैं। तो हमने इसमें सिरका डाला है, इसकी वजह से ये गीला हो गया है, आप लोग देख सकते हैं। तो इसका पानी जो सिरके का है वो खुश्क होने तक के बस हम इसको पका लेंगे, उसके बाद हम गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे। अब हमने क्या करना है, गैस का फ्लेम फास्ट कर देना है और फास्ट फ्लेम पे इसके पानी को, सिरके के पानी को खुश्क कर लेना है। ये बहुत सिंपल सी ना और एकदम मतलब कोई मसाले वगैरह नहीं है, बहुत सिंपल सी मिर्ची फ्राई है और टेस्ट में ये बहुत अच्छे लगते हैं, सिंपल से हैं इसीलिए, वरना और भी बनता है मिर्ची का अचार, उसमें बहुत सारे मसाले वगैरह पड़ते हैं, वो भी अच्छा लगता है। बट हर चीज़ की बोलते हैं ना अपनी अपनी खासियत होती है, तो इसी तरह इसकी भी खासियत है। तो मैं सिंपल तरीके से बता रही हूँ आप लोगों को, इंशाल्लाह अगली वीडियो में या फिर कभी जब मैं बनाऊँगी मिर्ची का अचार तो मैं मसालों के साथ आपको मिर्ची का अचार बनाना बताऊँगी। अगर आप लोगों के पास सिरका नहीं है तो वाइट वाला जो विनीगर होता है इसमें हम वो भी ऐड कर सकते हैं। तो आप लोग देख रहे हैं इसमें का सिरके का पानी खुश्क हो चुका है, तेल के चटचटाने की आवाज़ आ रही है।
तो ये मिर्ची का अचार हो चुका है, अब मैं गैस का फ्लेम ऑफ कर दूंगी। तो ये तैयार है टेस्टी से हरी मिर्च के अचार। तो आप लोग भी इसे एक बार ज़रूर बना के ट्राई करें, इंशाल्लाह ये आप लोगों को भी बहुत पसंद आएगी। सिंपल सी और टेस्टी सी ये मिर्ची फ्राई है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के अल्लाह हाफिज़।